वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान के ओहदों के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। अफसरान के ओहदों के साथ साहब का लफ्ज आज़ादी के हुसूल की बुनियाद की नफी करता है। साहब का लफ्ज सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया। हसीब मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। हसीब, किस मौके पर सुप्रीम कोर्ट को ये रिमार्क्स देना पड़े? देखिए, ये मुकदमा था 10 साला बच्चे के कत्ल के मुलजिम की जमानत का, जिसके अंदर ये सारा जो है रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की जानिब से। क्योंकि एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो केपी के थे, उनकी जानिब से दौरान समात जो है डीएसपी को साहब करके बुलाया गया था, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि किसी भी ओहदेदार के साथ साहब का लफ्ज़ ना लगाया जाए, और उसके ऊपर बरहमी का भी इजहार किया गया। और अदालत की जानिब से दौरान समात एडिशनल एडवोकेट जनरल जो केपी थे, उनकी जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर से बारहा जो है मालूमात लेने के ऊपर भी जो है बरहमी का इजहार किया गया कि आप अदालत के अंदर हैं, अपने ऑफिस के अंदर नहीं हैं, कि जो बार बार आप जो है इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ इधर आना चाहिए था। अदालत की जानिब से जो जमानत का जो मुलजिम था, उसकी जमानत मंजूर भी की गई है, और अदालत में जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए थे, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि मुलजिम के ख़िलाफ़ जो हैं वो शवाहिद मौजूद हैं, दो गवाहान भी मौजूद हैं, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ठीक है, और जमानत को भी मंजूर कर लिया गया। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका।